हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम फिर से आप सब के लिए एक नई कहानी लेकर आए हैं जिसका शीर्षक है सोच बदलो दुनिया बदलेगी। शहर के नजदीक एक चंपक वन था। उस चंपक वन में एक पीपल का पेड़ था। उस पीपल के पेड़ पर एक पीकू नाम का कौवा रहता था। पीकू बहुत ही खुशमिजाज था। हर वक्त मस्त मौला अपनी मस्ती में बहुत खुश रहता था और सबको खुश रखता था। पीकू अपनी जिंदगी में बहुत मस्त मौला पक्षी था। एक बार पीकू ने पेड़ पर बैठे बैठे पानी में एक हंस को देखा। देखते ही दंग रह गया। कितना प्यारा पक्षी है, यह इतना सफेद, मैंने तो उसे पहले कभी नहीं देखा। कितना सुंदर है यह पक्षी, अपनी जिंदगी में यह कितना खुश रहता होगा, क्योंकि यह बहुत खूबसूरत है। मन ही मन सोचता है, किसके पास चलता हूं और इससे पूछता हूं कि क्या यह बहुत खुश है, मुझसे भी ज्यादा खुश है। अब पीकू कौवा उस हंस के पास गया और हंस से बोला, तुम बहुत खूबसूरत हो, कौन हो तुम, क्या नाम है तुम्हारा। अब हंस बोला, मेरा नाम सौम्य है और सब मुझे सौम्य हंस कहते हैं। अब हंस की बात सुनकर कौवा बोला, अच्छा तो तुम अपनी जिंदगी में बहुत खुश होगे, क्योंकि तुम बहुत खूबसूरत हो। अब हंस बोला, यह खूबसूरती मेरे खुशी का कारण नहीं है। जब मैंने अपने से ज्यादा खूबसूरत पक्षी को देखा तो मेरी खुशी खत्म हो गई। मुझसे ज्यादा खूबसूरत और खुश प्राणी तो तोता है, क्योंकि तुम में और मुझ में केवल रंग का फर्क है। तुम काले रंग के हो और मैं सफेद रंग का, लेकिन तोते जैसे पक्षी में तो दो दो रंग हैं, वह चटकदार हरा और उसके गले में लाल रंग की माला भी है। वह इन रंगों से कितना खूबसूरत लगता है, मुझसे ज्यादा खुश तो वह पक्षी है। अब पीकू कुछ सोचने लगा और फिर उसने तोते के पास जाने के लिए सोचा और फिर से उड़ा और सीधा जाकर तोते के पास गया और बोला, तुम तो बहुत खूबसूरत पक्षी हो, तुम तो अपनी जिंदगी में बहुत खुश होगे। तो तोता बोला, मैं खूबसूरत नहीं हूं, मैं कहां खूबसूरत हूं, मुझसे ज्यादा खूबसूरत तो मोर है, शायद वह अपनी जिंदगी में मुझसे ज्यादा खुश होगा। मैं खूबसूरत नहीं हूं, मुझ में तो सिर्फ दो ही रंग हैं, एक लाल और एक हरा, लेकिन मोर में बहुत सारे रंग हैं। जब से मैंने मोर को देखा तब से मुझे अपनी खूबसूरती नजर नहीं आती। मुझे तो मोर ज्यादा खुश लगता है, क्योंकि वह बहुत खूबसूरत पक्षी है। अब पीकू थोड़ा सा मायूस हो गया और फिर वह उड़ान भर के मोर के पास गया और मोर से बोला, तुम तो बहुत खूबसूरत पक्षी हो, तुम तो अपनी जिंदगी में बहुत खुश होगे और बहुत संतुष्ट भी होगे। अब मोर बेचारा बड़ी मायूसियत से बोला, मैं और अपनी जिंदगी में खुश नहीं, मैं अपनी जिंदगी से बिल्कुल भी खुश नहीं हूं। मुझे यहाँ पर कैद किया हुआ है और मुझे चिड़ियाघर में रखा जाता है। सबसे ज्यादा खूबसूरत तो तुम हो, क्योंकि तुम पूरे आकाश में उड़ते हो, अपनी मर्जी से पेड़ पर जाते हो, अपनी मर्जी से उड़ते हो, लेकिन मैं यहाँ पर कैद हूँ। मैं खूबसूरत नहीं हो सकता, खूबसूरत वह है जो आज़ाद है।
अब पीकू चुपचाप अपने पेड़ पर वापस आ गया और सोचने लगा कि मोर ठीक कह रहा था, खूबसूरती रंगों से नहीं, खूबसूरती आज़ादी से है। मैं अपने पेड़ पर आज़ाद हूँ, मुझे किसी की चिंता नहीं है। लेकिन इन सब को उस चीज़ की चिंता है कि वह लोग कैद हैं। यह सब पक्षी अपनी आज़ादी से कहीं घूम फिर नहीं सकते, लेकिन मैं मस्त मौला अपने पेड़ पर घूम सकता हूँ, उड़ सकता हूँ। तो इन सबसे ज़्यादा खूबसूरत तो मैं हुआ, क्योंकि मैं आज़ाद हूँ। देखा बच्चों, जब हम अपनी सोच को सही दिशा में लेकर जाते हैं तो हम अपने अंदर की खूबसूरती को जान पाते हैं। जिस प्रकार पीकू कौवा आज ये जान पाया कि उसकी खूबसूरती उसके रंग से नहीं, उसकी आज़ादी से है। इसलिए बच्चों, अपनी सोच बदलो और आपकी दुनिया बदल जाएगी।